हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेबी लेपर्स नेचुरल वर्ल्ड। थंबनेल पे तो आपने देखा होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रोकोडाइल्स के बारे में। पूरे वर्ल्ड में क्रोकोडाइल्स के लगभग 23 स्पीशीज है, जिसमें से 3 स्पीशीज अपने इंडिया में पाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इन 3 स्पीशीज के बारे में बताने वाला हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। मगर क्रोकोडाइल। इस क्रोकोडाइल को हम मार्श क्रोकोडाइल, ब्रॉड स्नोथेड क्रोकोडाइल और इंडियन क्रोकोडाइल के नाम से भी जानते हैं। साउथ ईरान से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट श्रीलंका तक के फ्रेश वाटर हैबिटेट में ये पाया जाता है। भूटान और म्यांमार से ये क्रोकोडाइल लगभग एक्सटिंक्ट हो चुका है। इस क्रोकोडाइल का कंजर्वेशन स्टेटस IUCN द्वारा वल्नरेबल दिया है। मगर क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम क्रोकोडिलस पैलिस्ट्रिस है। मगर क्रोकोडाइल औसतन 4 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। ये क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन 60 ईयर्स है। क्रोकोडाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर सकता। इसीलिए जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है तो क्रोकोडाइल्स पानी में उतर जाता है। जब टेम्परेचर माइनस में हो जाता है तो क्रोकोडाइल्स अपने ताकतवर पैरों से रिवर बैंक्स पर बरोस बनाते हैं और उसमें रहता है। मगर क्रोकोडाइल के डाइट में मोस्टली फिश ही होती है, लेकिन नदी किनारे पर आने वाले जीवों पर यह जरूर अटैक करता है। मगर क्रोकोडाइल कैनिबल भी है, यानी ये अपने नस्ल के क्रोकोडाइल को भी खाता है। 6.5 ईयर्स के एज पर ही मगर क्रोकोडाइल सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। फरवरी से लेकर जून के महीने के बीच ये इनका ब्रीडिंग पीरियड है। फीमेल क्रोकोडाइल रेत में नेस्ट बनाकर उसमें अंडे देती है। सभी क्रोकोडाइल्स की तरह मगर के हैचलिंग के भी सेक्सिंग इंक्यूबेशन के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नेस्ट के टेम्परेचर 28 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच है तो सारे बच्चे फीमेल, और 31 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच जो टेम्परेचर है उसमें सारे बच्चे मेल। फुली ग्रोन क्रोकोडाइल के नेचुरल प्रेडेटर्स बहुत ही कम है, लेकिन जुवेनाइल के बहुत सारे प्रेडेटर्स हैं। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर और क्रोकोडाइल के मुठभेड़ अक्सर देखा जा सकता है। केरला के कासरगोड जिले में स्थित एक टेंपल में एक वेजिटेरियन क्रोकोडाइल पाया जाता है। ये क्रोकोडाइल सिर्फ मंदिर का प्रसाद खाता है, ये एक अजूबा ही है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा। मगर क्रोकोडाइल का ह्यूमंस पर अटैक का केस बहुत कम है। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मगर क्रोकोडाइल को पकड़ना या मारना अपराध है। अगर एक व्यक्ति पकड़ा गया तो उसको कड़ी फाइन और जेल शिक्षा तक हो सकती है। सो नेक्स्ट क्रोकोडाइल स्पीशीज है घरियाल। घरियाल का साइंटिफिक नेम है गवियालिस गैंजेटिक्स, ऑल्सो नोन एज गवियाल। घरियाल एक प्री हिस्टोरिक सा दिखने वाला क्रोकोडाइल है। जुरासिक एज से अभी तक घरियाल में बहुत ही कम ही परिवर्तन हुआ है। घरियाल भारत का सबसे लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है। एक फुली ग्रोन मेच्योर घरियाल लगभग 6 मीटर तक लंबा होता है। इस क्रोकोडाइल का कंजर्वेशन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। घरियाल विलुप्त होने के कगार पर है। घरियाल सिर्फ और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। घरियाल का एंडेंजर्ड होने का कारण है, मेल घरियाल के स्नॉज के एंड पर गड़ा नामक एक ऑर्गन होता है। इस ऑर्गन से ब्रीडिंग सीजन के वक्त मेल फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अंधविश्वास के कारण लोग मानते थे घड़ियाल के इस गड़े में कोई मेडिसिनल यूज है, इसलिए घड़ियाल को मार दिया जाता था इस गड़े को निकलने के लिए। घरियाल का लाइफ स्पैन 60 ईयर्स है। ईयर 1930 से घरियाल का नंबर कम होने लगा था। 2006 में सिर्फ 250 घरियाल बचे थे। अब देश विदेश में कई सारे ब्रीडिंग प्रोजेक्ट्स किया जा रहे हैं ताकि घरियाल को अपने वाइल्ड हैबिटेट में वापस लाया जाए। घरियाल का ब्रीडिंग स्प्रिंग सीजन में होता है। एक वक्त में फीमेल 20 से 25 अंडे तक दे सकती है। घरियाल का अभी तक एक भी ह्यूमन पर अटैक रिपोर्ट नहीं हुई है। कारण हो सकता है इसका नैरो स्नोथ। घरियाल का मुख्य भोजन मछलियां है। घरियाल के 110 इंटरलॉकिंग दांत के बीच कोई मछली बच नहीं सकता। ऐसा पतला जौ से घरियाल केवल मछलियां ही पकड़ सकती है। घरियाल भारत में सिर्फ ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर में पाया जाता है, और कुछ सेंचुरीज जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही बचा है। अगर इस क्रोकोडाइल को अभी प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये क्रोकोडाइल जल्द ही हमारे बीच से गायब होने वाला है। नेक्स्ट क्रोकोडाइल है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल सॉल्ट वाटर, सीस, ओशंस, ब्रैकिश वाटर और वेटलैंड्स में पाया जाता है। ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट से नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है। 1970 में ये क्रोकोडाइल विलुप्त होने के कगार पर था, लेकिन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट से ये क्रोकोडाइल अब बच गया है। अब इसका कंजर्वेशन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। इस क्रोकोडाइल का वेट लगभग 1 टन तक हो सकता है और 6 से 8 मीटर तक लंबाई में ये पाया जाता है। फीमेल्स मेल से छोटे होते हैं।
कुछ सालों पहले फिलीपींस में दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल मिला था, जो एक अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस मगरमच्छ का लोगों के साथ अक्सर मुठभेड़ होता रहता है। ये क्रोकोडाइल बहुत आक्रामक है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की एक खास बात है कि ये फ्रेश वाटर में भी बड़े आराम से रह सकता है, जो इसे विलेजेस के रिवर्स पर लेके आता है, जिससे ह्यूमंस के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंडिया में जितने भी क्रोकोडाइल अटैक रिपोर्ट होते हैं, उसमें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल ही ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। ये क्रोकोडाइल नदी किनारे पर आने वाले हर एक जीव पर अटैक करता है। इनसे दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन पोहो नाम का एक क्रोकोडाइल, जो एक व्यक्ति का खास दोस्त है, ये क्रोकोडाइल सिर्फ उस आदमी से फ्रेंडली रहता है। उसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। ये क्रोकोडाइल एक वक्त में 60 अंडे तक दे सकती है। इस क्रोकोडाइल की औसतन आयु है 70 साल। तो दोस्तों, ये था इंडियन क्रोकोडाइल्स के बारे में वीडियो। हमें इन क्रोकोडाइल्स को बचाना एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आज भी इल्लीगली क्रोकोडाइल्स को मार दिया जाता है। उनका स्किन निकाल कर लेदर बनाने के लिए उस लेदर से कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये दृश्य बहुत ही विचलित करने वाली है, लेकिन ये ही कड़वा सच्चाई है। आज भी क्रोकोडाइल्स को ऐसे ही मार दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। लेकिन चेन्नई में स्थित मद्रास पार्क में क्रोकोडाइल और अन्य रेप्टाइल्स का संरक्षण किया जाता है। आप अगर क्रोकोडाइल लेदर से बना हुआ चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी तरह हम क्रोकोडाइल्स को बचा सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।